तो लास्ट टॉपिक जब आप चले गए थे, हम लोगों ने ना एजेक्स पोल के ऊपर काम किया था। ठीक है, पोल में क्या है कि कितने लोग यस आपका प्रेस कर रहे हैं, कितने लोग आपका नो प्रेस कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पर हमें क्या हो रहा था, रिजल्ट हैंड टू हैंड दिखाई दे रहा था इसके अंदर। कि अगर मैंने मान लो नो किया तो नो का रेशियो बढ़ जाएगा इसके अंदर, अगर आपने यस किया तो यस का रेशियो उसमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इसमें था क्या, एक तो हमारा इस एजेक्स पोल के अंदर स्क्रिप्ट फाइल लगा हुआ है, ठीक है, तो इस वाले में आप देख रहे हो कि हम लोग ब्लैंक वाली कंडीशन को चेक नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा इनपुट टाइप रेडियो लगा हुआ है, रेडियो के अंदर वैल्यू पहले से ही फीड होता है अपना। ठीक है, वैल्यू इक्वल टू हमने डिफाइन किया 0 या 1, तो हमने सीधे यहाँ से अपना XML HTTP रिक्वेस्ट को चलाया और उसका जो भी रिस्पॉन्स था वो हम लोगों ने यहाँ पर एक पोल के नाम से डिप बनाया हुआ, उसकी आईडी में उसको कॉल करा दिया रिजल्ट को। और यहाँ से हम लोगों ने पोल बोट फाइल के अंदर एक बोट क्वेरी चलाई है, तो ये पोल बोट के नाम से हमारी ये फाइल है और इसको हम लोग यहाँ से कैप्चर कर रहे हैं कि यूज़र बोट में हमें क्या भेज रहा है, यस या नो। अगर यस है तो 0, नो है तो 1। तो यहाँ तक का पार्ट आपके सामने हो गया था मेरे ख्याल से, है ना। इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था कि यस की जो भी वैल्यू है या नो की जो भी वैल्यू है उसको हम लोगों ने यहाँ पर स्टोर कराया था पोल रिजल्ट के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही यूज़र कोई बोट वहाँ पर करता है कि लाइक यस, तो यहाँ पर जैसे 5 है तो 5 की वैल्यू जो भी बाकी चेंज होगी 6 हो जाएगी उधर। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसको खुला रहने दो फाइल को, और हम यहाँ से आके जैसे अभी देखो यहाँ पर क्या 5 3, मैंने जैसे नो चूज़ किया तो वैल्यू कितनी होगी, 4 हो गई नो की वैल्यू। या अगर मैं यस करता हूँ तो 5 की जगह पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यों भाई, हमने यहाँ पर एक मेथड लगा रखा है राइट करने वाला। अगर हम यहाँ से इसको पोल डॉट बोर्ड को ओपन करते हैं, हमने क्या लिख रखा, फाइल नेम, ठीक है, जो भी हमारी फाइल का नेम है वो उसमें क्या लगे, राइट मेथड, डब्ल्यू स्टैंड फॉर राइट। तो यहाँ पर हमने फाइल नेम के अंदर कॉल किसको करा रखा है, पोल रिजल्ट डॉट txt को, ठीक है, तो पोल रिजल्ट डॉट txt उसके ऊपर राइट मेथड। तो इस तरह से बेसिकली इसमें काम हो रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, इमेजेस के अंदर एक लगा रखी अपनी फाइल विच इज़ पोल डॉट गिफ, जिसमें आपको प्रोग्रेस बार दिखाई दे रहा है वहाँ पर। नीरज, तो बेनिफिट क्या है कि पेज को बिना रीलोड किए हम यहीं पर अपना रिजल्ट देख पा रहे हैं इसके अंदर एजेक्स की हेल्प से। तो यहाँ पर नीचे इसी फाइल में अगर आप यहाँ नोटिस करोगे तो हमने क्या लिखा, टेबल के अंदर इमेज को कॉल किया, उसकी विड्थ जो बढ़ेगी वो मैथ के साथ बढ़ेगी, यानी कि हमने लिखा 100% मल्टीप्लाई विद राउंड, यस की जो वैल्यू रिसीव हो रही है, ठीक है, डिवाइडेड बाय नो प्लस यस। ठीक है, इसी तरह से नो वाले में नो डिवाइडेड बाय नो प्लस यस, और आप यहाँ पर उसका फिर प्रिंट करा रहे हो। तो एक से हमारी इमेज की विड्थ बढ़ रही है, दूसरे से हमारा रिजल्ट उसका प्रिंट हो रहा है परसेंटेज में कि क्या रिजल्ट हमारा डिस्प्ले हो रहा है। और जो भी वोटिंग आप कर चुके हैं वो सेव रहेगा आपका, क्योंकि हमने राइट कर रखा है उस मेथड को। तो जैसे अरीना का इवेंट होता है यहाँ पर, तो हम लोग एक पेज अपना डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके नीचे वोटिंग का सिस्टम लगा सकते हैं कि सभी आर्टवर्क को लाइव करो और सबके नीचे यस नो का एक अपना बना दो कि लोग उसको थम्स अप कर रहे हैं थम्स डाउन कर रहे हैं। अगर थम्स अप मिल रहा है तो उसके ऊपर भी हम लोग सेम वही काम करा सकते हैं, या फिर अगर हम लोग यस या नो पर क्लिक करें तो भी हम लोग सेम आउटपुट ले सकते हैं उससे। तो इससे क्या होगा कि जैसे मान लो एक यहाँ पे विजिटर्स आते हैं, वो एक फॉर्म भरते हैं, फिर उसके बाद उसको ड्रॉप करके जाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में उसको काउंट करने के लिए टाइम चाहिए, फिल्टर करो सारा डेटा। तो अगर डिजिटल प्रोसेस है कि मान लो ये आर्टवर्क लगा, इसके नीचे मैंने क्यू आर कोड लगाया, सीधे बंदा स्कैन करे फ़ोन के ऊपर, येस नो जो करना है वो कर दे फटाक से उसको, तो हमारा क्या हो गया, सेम डे पर हम लोग इवेंट का रिजल्ट भी डिक्लेयर कर सकते हैं उसके बेसिस पर कि भाई किस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा वोट किस आर्टवर्क को मिले, समझ गए ना एग्जाम्पल। तो इससे हम अपने काम को फास्ट बना सकते हैं। या फिर एक ऐसा सिस्टम बन सकता है कि भाई लेट्स से 3D के अंदर ये 6 आर्टवर्क है फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें से क्या होगा कि वो चूज़ करे कि इन 6 में से किसको वो वोट देना चाह रहे हैं। हम सबके ऊपर यस नो नहीं कर रहे कि भाई मान लो 1 को उसने चूज़ किया, 1 के ऊपर से रेट कर दिया, तो हम 6 में से एक आर्टवर्क का नंबर और उसके आगे इसका वोट यस या नो वो करवा सकते हो।
तो दोनों ही तरीके पॉसिबल है। सबसे बढ़िया कि सबके नीचे एक छोटा छोटा अपना QR कोड बना के लगा दो, लेकिन ये प्रिपरेशन मतलब कि आर्ट वर्क आपका इवेंट से 2 से 3 दिन पहले लग जाए, बट यहाँ क्या होता है बिल्कुल एंड डेट तक आज होने वाला है तो सुबह भी लोग पेस्ट कर रहे होते हैं तो हमें QR कोड बनाने में टाइम लगेगा फिर उस केस में। तो ये प्रिपरेशन 2 से 3 दिन पहले हो जानी चाहिए। और वोटिंग में क्या करना पड़ेगा, जैसे अभी तो क्या यस नो तो मुझे रिसीव हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर एक सिक्योरिटी और लगानी पड़ेगी भाई। एक ही बंदा जाके पता नहीं ना जाने कितनी बार कर सकता है उसके ऊपर, तो हमें ये ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा किस डिवाइस से किस बंदे ने कितनी बार किया। अगर वो ज़्यादा एंट्री आ रही है तो उनको हटा दे, सिर्फ एक एंट्री को रखे जो भी फर्स्ट हो या लास्ट एंट्री हो, बाकी हट जाए उसके अंदर से। तो फिल्ट्रेशन भी करवानी पड़ेगी, तो उससे क्या होगा फेक बोट नहीं आएंगे, ये फ़ायदा होगा। तो हम एक काम कर सकते हैं, यूज़र से लॉगिन कराएं अरिना के उसके अंदर, उसके बाद में उससे वो करा लें, तो वो काम हमारा आसान हो जाएगा। ऐसे तो एनोनिमस में भाई वो सबको भेज देगा, ले भाई डालो बोट डालो, वो चीज़ हो जाएगी। तो उसके अंदर प्रॉपर एक अपना क्या रहेगा, बंदे का जो रजिस्ट्रेशन हम कराएंगे उसका पूरा एक प्रोफाइल, उसका कौन बंदे ने डाला है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितनी बार उसने रिपीट किया डेटाबेस के अंदर, तो वहाँ से हम लोग लास्ट एंट्री को फैच करा के रिजल्ट डिक्लेयर करा सकते हैं। तो डिजिटलाइजेशन का बूम ना इसलिए आया, देखो अभी जो चल रही ना ये कहते हैं ना क्रांति चल रही है टेक्नोलॉजी की, और जो है 4.0, यानी कि आज की डेट में क्या हो रहा है कि आने वाले 10 सालों में सब कुछ बदल जाएगा। बदल कैसे जाएगा, जैसे आज की डेट में आइडियाज़ जो हैं वो नेक्स्ट लेवल जा चुके हैं। जैसे Airbnb का नाम सुना होगा आपने, जैसे इंडिया में ओयो फेमस है वैसे वर्ल्ड वाइड Airbnb फेमस है। उनका अपना खुद का एक रूम नहीं लेकिन पूरी दुनिया पर उनका कब्जा है। या जैसे ओला उबर की अगर बात की जाए, उनकी अपनी खुद की एक कार नहीं लेकिन पूरी दुनिया में गाड़ियाँ उनकी घूम रही हैं। समझ रहे हो कि मतलब गाड़ी जो चला रहा है बंदा या तो उसकी या फिर जो रेंट पर ड्राइवर लेके चला रहा है, लेकिन नाम किसका छपा है, ओला उबर इन ड्राइव इन सब चीज़ों का या रैपिडो है ना। देखिए इनका अपना खुद का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। इन्होंने क्या करा, एक प्लेटफॉर्म बनाया, लोगों को चाहिए हम आपको ला के देंगे, ठीक है। तो ये टैक्सी ड्राइवर्स को या टैक्सी ओनर्स को क्या कर रहे हैं, कस्टमर ला के दे रहे हैं भाई, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हैं जो दुनिया को बदल रही हैं। मतलब जो एक पहले एक होता था ना कि जैसे कि हर एक लोकेलिटी में एक टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर होता था, उसका धंधा चौपट है, जो 10 गाड़ियां लेके बैठा हुआ है उसका कुछ नहीं हो सकता। उसके पास लास्ट तरीका वही बचता है कि वो अपना एक फ्लीट बनाए, ओला उबर के साथ एसोसिएट करे अपने आप को, काम डायरेक्ट मिल रहा है लिंक के थ्रू, वेल एंड गुड, नहीं तो भैया वहाँ से चलता रहे, नहीं तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा बंदा। या अमेजोन फ्लिपकार्ट ने लोकल शॉप्स जो होते हैं उनको ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब अमेजोन फ्लिपकार्ट को काटने के लिए ब्लिंकिट आ गया मार्केट में। ब्लिंकिट आज की डेट में अपने आप में खुद एक मार्केट प्लेस बन चुका है। आपको जो सामान फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करना है वो 1 या 2 दिन में आएगा, ब्लिंकिट 15 मिनट में डिलीवर कर देता है आपको, और वो भी सेम रेट पर, बट डिलीवरी चार्ज 10-15 रुपये लेता है, बंदे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता भाई, तुरंत तो मिल रहा है ना, ठीक है भाई। अमेजोन कहता है तुरंत चाहिए 100 रुपये दो, वो कहता है 15 रुपये दो, मैं तुरंत दे रहा हूँ, तो क्यों नहीं आगे जाएगा। तो ब्लिंकिट आज की डेट में अगर आप देखोगे तो जो जैसे हम लोग कहते थे ना कि पहले कोई प्रोडक्ट लाइक मुझे को एक माउस ख़रीदना है तो वो माउस मैन्युफैक्चरर ये लिख रहा है अपने आपको कि हम कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हैं, फ्लिपकार्ट अमेजोन साथ में लिखा होता है ब्लिंकिट, हम यहाँ पर भी हैं। तो आज की डेट में लोग बहुत फास्ट रैपिड स्पीड से डिलीवरी के लिए अपना कस्टमर बनाने के लिए ब्लिंकिट की तरफ जा रहे हैं। तो ब्लिंकिट मॉडल को जो बढ़िया किया वो जोमेटो ने टेक ओवर करने के बाद किया, नहीं तो ब्लिंकिट लॉस में था। ग्रोफर्स तो ब्लिंकिट बना, ब्लिंकिट लॉस में चल रहा था, उन्होंने क्या काम करा, भाई साहब सामान के साथ साथ तुम और भी चीज़ें देना स्टार्ट कर दो, बंदा खरीदेगा भाई। पूजा का टाइम आया, फूल चाहिए, माला चाहिए, जो चाहिए सब दे दो, बंदे को घर बैठे 50 रुपये एक्स्ट्रा देके अगर मिल रहा है ना वो खरीदेगा, वो लोग खरीदते हैं, कंफर्ट है ना भाई, टाइम बच रहा है, मैं अपने उतनी देर में 10 काम देखूंगा भाई। कहावत है ना कि भाई लोग ये कहते हैं कि एक गाड़ी खरीद के अगर आपने ड्राइवर से चलवाया तो क्या मज़ा लिया उस गाड़ी का। अब बिजनेसमैन जो होता है, जब जितनी देर में ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है ना उतनी देर में पता नहीं वो 2-3 डील कर डालता है, तो उसके माइंड से सोचोगे तो उसके लिए बहुत प्रॉफिटेबल डील है। एक मिडिल क्लास के माइंड सेट से सोचोगे तो वो एक लॉस मेकिंग डील लगता है भाई, गाड़ी खरीदी ऑडी भी खरीदी, बैठ के बंदा पीछे जा रहा है, चला ड्राइवर रहे, तो कभी ना कभी तो वो एंजॉय कर सकता है ना अपनी गाड़ी को, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जनरली वो अपने फ़ोन में कुछ ना कुछ लगा हुआ है काम करने में। तो ये माइंडसेट है, हर बंदे का सोचने का तरीका डिफरेंट है। आइडियाज़ आज की डेट में जो बूम पर जा रहे हैं वो इसीलिए ही जा रहे हैं क्योंकि नया एक बंदा आइडिया लेके आता है और वो आइडिया हिट कर जाता है।
बहुत सारे लोगों ने किसी सॉल्यूशन के बारे में सोचा ही नहीं भाई। जैसे कहते हैं ना कि पानी बेचा जा सकता है, लेकिन मिस्टर बिस्लेरी को ये आइडिया आया कि भाई पानी बोतलें भरो, पैक करो, बेच दो। बेचा, आज की डेट में ना जाने कितनी कंपनियां हैं जो पानी बेच रही हैं मार्केट के अंदर। टाटा भी आ गई, हाँ सभी अवेलेबल हैं, सबको दिख रहा है ना उसको। भाई कॉस्ट कुछ पे नहीं करना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, कहीं से खरीदना तो है नहीं। बोरिंग करो, पानी निकालो, भरो और बेचो। उस पर लिख दो भाई हिमालय से आया। कौन बंदा जाके चेक करे कि हिमालय में कहाँ से भर रहे हैं? लिखा होता है जैसे वो आता है उसका एक येलो कलर की कैप में जो बॉटल आती है, हिमालय नहीं होती ना आई थिंक, हाँ, तो उस 100 रुपीज़ समथिंग जो पे देते हैं, तो लिखते हैं बॉटल अप किया गया इसको इतने 1000 फीट पर वहाँ पर हिमालय में। भाई कहाँ लगा रखा है प्लांट, उसका एड्रेस तो बताओ। सो सब आर्टिफिशियल मिनरल्स एडिट कर करके बेच रहे हैं मार्केट के अंदर, और कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, तो आइडिया होना चाहिए और उसकी नीड बनाने वाला बंदा होना चाहिए। देखो सीधी सी बात है, घर के पास हमारे पास एक सेल्समैन आता है और वो एक चीज़ में चिपका के चलाता है, जब तक चिपका के नहीं जाता तब तक वो जाता नहीं है बंदा। ये होता है बंदे का कन्विंसिंग पावर। अगर आपके पास आइडिया है और आपने लोगों को उसका बेनिफिट गिना दिया कि भाई ये लेने से तुम्हारे पास ये बेनिफिट हो जाएगा, तो बंदा लेगा। यही है मार्केटिंग, सीधी सी बात है। तो कहाँ सोचा था किसी ने कि भाई सब इंडिया के अपने दो IIT के टॉपर वगैरह निकल के आएंगे और एक ऐसे करके ओला के नाम से अपना ऐप बनाएंगे और भाई सब पूरे इंडिया में छा जाएंगे। आज की डेट में ओला के जो दो पार्टनर हैं उनका ये कहना है कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अगर हम पूरे रोड पर गाड़ियाँ लगा दें तो भी गाड़ियाँ हमारे पास ज़्यादा होंगी। इतनी गाड़ियाँ हैं आज की डेट में हमारे पास पैन इंडिया, सोचो। और खुद कहते हैं कि हमने अपनी आज तक गाड़ी नहीं खरीदी, हम भी कैब में चलते हैं। भाई सीधी सी बात है, एक कार सबसे बड़ा डेप्रिसिएशन है। एक 10-15 लाख रुपए उसके अंदर झंड करना, उसके बाद में उसकी मेंटेनेंस, और सबसे बड़ा जो है इंश्योरेंस, समझ रहे ना। मतलब आप चलाओ मत चलाओ, आखिर भी अगर कार आपकी 10 लाख की है तो 40,000 रुपये का इंश्योरेंस तो आपका मिनिमम आएगा ही आएगा उस चीज़ का, इतना तो आपको पे करना ही करना है। तो कहते क्यों पे करना है भाई, जिस बंदे की डेली चल रही तो उसको तो फ़ायदा है, तो मेरी गाड़ी चली ही नहीं रही तो मुझे क्या फ़ायदा। वो इंश्योरेंस अमाउंट पे करके मैं उससे कहीं और कुछ अपना धंधा करूँगा, या उसके मैं 4 पैसे और बनाऊँगा, कहीं इन्वेस्ट कर दूँगा, साल भर मेरे को 10% का वैसे रिटर्न आ जाएगा। तो ये होता है बिजनेस माइंड। एक होता है एक आम आदमी स्टैंडर्ड मेंटेन करने के चक्कर मारा जाता है, और एक बड़ा आदमी जो सोचता है वो सोचता है कि भाई सब उस पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए, पैसे से पैसे बना पाओ। तो यही है डिफरेंस। अब ये देखो कि आने वाले टाइम में अगले 10 सालों में इतना कुछ बदलेगा। जैसे एग्जांपल ऐसा समझो कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां रही हैं मार्केट के अंदर कि जैसे एक टाइम था बहुत पहले करके हम लोग बात करें 15 साल पहले अगर जाते हैं 2009 में लास्ट मॉडल आया था राजदूत बाइक का, ठीक है, जो उन्होंने यामा के साथ और एस्कॉर्ट कंपनी ने जो ट्रैक्टर बनाती है उन्होंने यामा के साथ मिलकर वो प्रोडक्ट बनाया था। इंजन की टेक्नोलॉजी यामा की थी और बाकी पूरा स्ट्रक्चर जो था वो एस्कॉर्ट कंपनी ने बना कर दिया था। बड़ी रफ एंड टफ बाइक हुआ करती, इसने बुलेट तक को टक्कर दे दी थी। बुलेट था, एस्कॉर्ट का वो था इंजन, एस्कॉर्ट का इंजन था। अच्छा तो यामा का क्या था उसके अंदर? यामा की बॉडी थी उसमें, ये पता नहीं है क्योंकि इनका बाइक के इंजन में एक्सपर्टीज नहीं था। जो मैंने पढ़ा है उसमें 2 स्ट्रोक इंजन उन्होंने दिया इनको, क्योंकि एस्कॉर्ट जब वो बना था ना तो जब इनने बाइक में लगाया अपना इंजन, अच्छा, बाइक तेज स्पीड से भागने लगी। अच्छा, जितने भी चोर थे हाँ वो सारे उस पे चलते थे, पुलिस वालों को दिक्कत आ गई। यामा की आती थी RX 100, हाँ, जो बाद में पुलिस वालों ने बंद करवाई थी, हाँ, इंडियन मार्केट में। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां रही जैसे नोकिया, इनमें कमी कुछ नहीं थी लेकिन उन्होंने क्या करा, अपना को वक्त के साथ मॉडिफाई नहीं किया, जिस चक्कर में ये लोग पिछड़ गए। बहुत सारी ऐसी कंपनियां रही हैं जैसे वो आती थी ना 1980 में वो आता था कोडेक का पेपर आता था, फोटो पेपर। तो ये लगा लो कि 1990 तक उनके पास 1,80,000 एम्प्लॉय थे कोडेक के अंदर, जो पूरे वर्ल्ड में पेपर डिलीवर करते थे, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सबसे बड़ा वही था कोडेक का। वो रील भी बनाते थे, कैमरा भी बनाया उन्होंने, बहुत चीज़ें की उन्होंने। बट क्या हुआ कि जब डिजिटल कैमरा का दौर आया कोडेक कंपनी ख़त्म हो गई, वो कुछ कर ही नहीं पाया उसके आगे, ठीक है। तो मार्केट में नए आइडियाज़ ने पुरानी चीज़ों को जो बहुत अच्छे से मार्केट को होल्ड करती थी उनको ऐसे ख़त्म कर दिया। जैसे हिंदुस्तान आती थी एम्बेसडर, क्या नहीं थी सेफ्टी फीचर उसके अंदर, सब कुछ था,
लोहा लाट गाड़ी वैसे ठोक के दूसरा बंदा टूट जाए उसको कुछ ना हो, लेकिन लुक उन्होंने कभी उसका कुछ किया ही नहीं, वही उन्होंने ट्रेडिशनल लुक रखा जिसके चक्कर में लोगों ने उसको पसंद नहीं किया। गाड़ी बड़ी भारी होती थी, एवरेज थोड़ा सा कम होता था, लोगों चाहिए था माइलेज, माइलेज में मारुति आई उसकी, भाई से लोग एकदम लाइट वेट गाड़ी भी निकाल के ऐसी गाड़ी ला के दी थी, भाई से लोग चलाओ अच्छा खासा एवरेज मिल रहा है। जैसे 800 होती थी तो अपना 28 का एवरेज निकालती थी पेट्रोल में बिना सीएनजी जो चलाते थे, इसलिए लोगों ने उसको प्रेफर करना स्टार्ट किया, भाई लाइट वेट है, छोटी है, ईजी टू हैंडल है, कहीं भी ले जाओ, कहीं फंस भी जाए दो लोग उठा के अपना निकाल के कहीं भी रख जाओ। तो ये होते हैं नई चीज़ें। अब आने वाला जो टाइम है वो ये है कि कार्स का मार्केट ख़त्म होगा, कार्स के अंदर जैसे आपको पता ही है बाहर एक कंपनी आ चुकी है ऑलरेडी, तो मैं नाम अभी ध्यान से निकल रहा है, अभी उसके ऊपर एक वो भी हो गया है, इंसिडेंट हो गया उसके साथ, उसकी गाड़ी में आग लगी थी, सेल्फ ड्राइविंग कार जो है और लंदन वगैरह के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से 2010 में बेसिकली लंदन में ऑलरेडी गूगल ये ट्रायल कर चुका है ड्राइवरलेस कार का, और अभी एक हाल फिलहाल में जेड से कोई कंपनी है मैं नाम भूल रहा हूँ, तो उसने बेसिकली अपना पूरा मार्केट एक्वायर कर लिया वहाँ का, तो उसके अंदर ये जैगवार वगैरह बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ब्रांड के साथ उसने उसके अंदर दुनिया जान के सेंसर लगा के उस गाड़ी को फुल लैस कर दिया और बढ़िया चल रहा है उनका सिस्टम। तो अगले 10 साल में इंडिया के अंदर भी आप जो देखोगे ना ये तो टैक्सी ड्राइवर जो है इनका धंधा चौपट है, ठीक है, सीएनजी पेट्रोल डीजल का, डीजल आपने देख लिया कि आज की डेट में अगर हम लोग देख रहे हैं हुंडई जैसे ब्रांड के अंदर अगर आप देखो तो क्रेटा में डीजल बन रही है, ठीक है, या फिर उनका एक अल्कजार आता है उसके अंदर एक डीजल वेरिएंट आता है, वरना में डीजल ख़त्म कर दिया उन्होंने बिल्कुल, वरना डीजल में नहीं आती है, नया जो उन्होंने सेगमेंट लॉन्च किया है एक वेन्यू उनका डीजल में आता है, ठीक है, तो मतलब उनके पास 7 से 8 कार्स हैं इंडियन मार्केट के लिए जिसमें 3 से 4 के अंदर ही वो डीजल कार बना रहे हैं बहुत सेलेक्टेड, क्योंकि उन्हें पता है कि डीजल कार का फ्यूचर 10 साल के बाद में कुछ होता ही नहीं है, दिल्ली NCR में हम लोग चला नहीं सकते, आप चला सकते हिमाचल जाके, अब बंदा ने गाड़ी यहाँ कर दी वो हिमाचल जाके उसका क्या करेगा लेके, उसको लॉस में बेचनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ तो 10 साल का बेकार होगी ना, सीधी सी बात है। तो डीजल का भविष्य ख़त्म है, ठीक है, पेट्रोल बचेगा नहीं गाड़ी यहाँ पर क्योंकि ईवी का दौर चल पड़ा है, और ईवी से ऊपर भी वो अपना वो चल रहा है हाइड्रोजन वाला का सिस्टम जो है, अगर वो कामयाब हो गया तो वही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहने वाला है। तो धीरे धीरे करके ना अगले 10 सालों में जॉब्स जो हैं वो और ज़्यादा ख़त्म होगी, जैसे US में क्या है कि जितने भी एडवोकेट्स होते हैं लॉयर्स हैं तो वहाँ पर ना IBM वॉटसन करके एक एप्लीकेशन आया है जो लीगल एडवाइस देता है, जनरली हर कंपनी लीगल एडवाइज़र रखती है, अब उन लीगल एडवाइज़र से ज़्यादा अच्छा IBM का वॉटसन जो ऐप है वो देता है एडवाइस। तो आप ये मान के चलो अगले 10 साल में US में टॉप स्पेशलिस्ट ही बचेंगे जो उस एप्लीकेशन से आगे का सोच सकते हो, क्योंकि इतना केस स्टडी उस एप्लीकेशन के पास ऑलरेडी है। अब सीधे 10 सालों में वो एप्लीकेशन और ग्रो करेगा अपने आप को और सीखेगा क्योंकि मशीन लर्निंग आ गया, तो एडवोकेट का धंधा खत्म US के अंदर, तो वहाँ पर सिर्फ 10% एडवोकेट बचेंगे जो भी टॉप नॉच लेवल के होंगे जो ऐप से ज़्यादा एडवांस हो। तो इस तरह से तो हर एक सेक्टर, AI जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसमें ये था कि पहले ना ब्लू कॉलर जॉब जाएंगी, ब्लू कॉलर का मतलब कि जो टैक्सी का जो हमारा सेगमेंट होता है उसमें जो ड्राइवर होता है ब्लू शर्ट्स पहनते हैं ना, तो ब्लू कॉलर का था, लेकिन उल्टा हुआ, वाइट कॉलर से हमारा स्टार्ट हुआ बेसिकली, जो कि हमारे फील्ड में सबसे ज़्यादा फेमस हुआ। तो अब तो वही चल पाएगा जो बेसिकली वक्त के साथ अपने आप को 4 से 5 साल आगे लेके चल सकता हो, जिसका विज़न तगड़ा हो, नहीं तो मार्केट बड़ा ख़तरनाक है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने एक धंधा स्टार्ट कर लिया, और तो बिजनेसमैन भी खतरे में है, बिजनेसमैन भी खतरे में है आज की डेट में कि भाई ये धंधा रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि आज की डेट में हर बंदा, आप एक आइडिया लेके आओ आपके पीछे से 10 कंप्यूटर आपके अपने आप चल के आते हैं भैया। जैसे अभी हाल फिलहाल में देखो वेलनेस प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें बहुत तगड़ा बूम आया, जिस बंदे को देखो सब ने चालू कर रखा है अपना 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 अपना, ठीक है, सब अपने अपने लेके आ गए। जैसे जिम सप्लीमेंट्स में देखो तो दुनिया जान के ब्रांड आ गए, सबको पता है मैन्युफैक्चरिंग सोलन में होती है, जाओ वहाँ पर अपना डब्बा बनवाओ, जो डिज़ाइन तुम्हें चाहिए अपना लेबल लगाओ, अपना बेच डालो मार्केट के अंदर। तो हर एक चीज़ के अंदर बहुत सारे कॉम्पिटिटर आपके पार्टिसिपेट करते जा रहे हैं। अब सीधी सी बात है, जिसका आइडिया अच्छा होगा, जिसका विज़न अच्छा होगा, जो अपने कॉम्पिटिटर के साथ कॉम्पिट करके उसको डाउन कर सकता है, अपने आप को ऊपर लेके जा सकता है, वही रहेगा। अब जो मार्केट रह गया वो रह गया मोनोपोली वाले लोगों का, कि भाई ये मेरे ही पास है किसी और के पास नहीं है,
जैसे प्लास्टिक का जो सिस्टम है जो जिससे हम लोग ये आइटम्स बनाते हैं सारे के सारे, तो रिलायंस के पास होता है इसका सारा कुछ होल्ड, प्लास्टिक दाना जो होता है ना, तो लोग ट्रेड करते हैं रिलायंस से, और देन उसके बाद फिर उसके वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, तो उसके अलावा और कोई नहीं बेचता उस चीज़ को, तो रिलायंस ही खरीद के लोग जो होते हैं लेते हैं, और उसके बाद में होलसेलर रिटेलर तक का ही चैन चलता है डीलर डिस्ट्रीब्यूशन का। इसी तरह से जैसे अभी तक क्या था कि चाइना जो बैटरी वगैरह होती थी वो लिथियम आयन में ही बनती थी, अब इंडिया में ही बनना स्टार्ट हो गया, गुजरात में प्लांट लग चुका है, टाटा ने लगा लिया क्योंकि लिथियम की माइनिंग अब इंडिया में स्टार्ट हो गई है, तो अब उसकी मोनोपोली टूटेगी। नहीं तो क्या होता था, कुछ भी काम कराना हो भाई साहब, जो मर्जी करना हो, अल्टीमेटली तुम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट, वहीं जाओगे वहीं से चीज़ें मिलेंगी आपको। तो आने वाला 10 साल में बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ, बैटरी ट्रांसपोर्टेशन तो पूरा बदल जाएगा। में तो 80% डाउन हो गया करीब हाँ, चाइना से, क्यों बहुत चेंज आ गया। चाइना से बैटरी हम भी मंगाते थे, अच्छा जितनी बैटरी आती थी इंडिया में हमारी कंपनी ट्रांसपोर्ट ओके, तो आपका बेसिकली क्या होता है, उन बैटरी से क्या प्रोडक्ट बनाते हो? हम बनाते नहीं, हम ट्रांसपोर्ट अच्छा, आप आगे आगे मतलब देते हो उनको चीज़ों को, अच्छा जितना भी गल्फ कंट्री का मार्केट है ना, ये सारा कलेप्स करेगा क्योंकि ये सारा ऑयल बेस्ड है, ऑयल का कंजप्शन जब घटेगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ की चीज़ें जो ऑयल का फ्यूल का जो कॉस्ट है वो आपका कम होगा। तो अभी जो फ्यूल चल रहा है ना, ये आने वाले टाइम में आगे जाके बहुत जल्दी नहीं लेकिन 10 साल में आपको देखना 50% से भी नीचे पहुँचेगा ही पहुँचेगा। अब आप खुद देखो दिल्ली एनसीआर के मार्केट में, आप अगर बाइक या स्कूटी चला रहे हो आप देखोगे ईवी ऑटोज़ कितने आ चुके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का सीधा सा इंस्ट्रक्शन है, नितिन गडकरी ने तो बोला है कि 2020 जैसे स्टार्ट हुआ था तो ईवी का धीरे धीरे दिखना स्टार्ट हुआ, हर साल ईवी के नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन बढ़ते जा रहे हैं, और बाई 2030 तक आपके ट्रांसपोर्टेशन जो होगा वो पूरा ईवी होगा ये तय है, कमर्शियल व्हीकल आपका बिना ईवी के नहीं रहने वाला है। तो जैसे हम लोग देखते हैं ये मेट्रो वगैरह का जो पूरा एक हम लोग देखते हैं ट्रैक बना होता है उस पर ईवी मतलब आपका वायरिंग वगैरह रहता है, ऐसे ही अब जितने भी बड़े एक्सप्रेस वे हैं उन पर भी वायर आपका इलेक्ट्रिक हार्नेस लगेंगे सारे, आपके ट्रक्स में बसेस में सीधे अपना कनेक्ट करो ओईएस से और अपना चलते जाओ एक ही लेन के अंदर, तो इनका पूरा एक सेपरेट कॉरिडोर बनेगा, जैसे होता है 3 लेन हाईवे 6 लेन हाईवे, तो उसमें एक लेन जो रहेगा वो इन्हीं के लिए ही रहेगा, किसी के अंदर ही चलना है आपने, तो नेक्स्ट विजन जो है वो ये है, तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, कंसिस्टेंट रहोगे और आपका काम भी बनेगा। तो बड़े व्हीकल्स के अंदर ये बैटरी का तो ऑक्सिलरी रखेंगे, मान लो कहीं फेलियर हो गया तो रुके ना, ये चलती रहे, लेकिन अब ये डायरेक्ट लाइट से ही कनेक्टेड रहेंगे परमानेंट, तो ये वो रोड्स बन रहे हैं। जैसे चाइना के अंदर ना कुछ रोड्स बनाए गए, उन्होंने ओईएच का यूज़ नहीं किया ट्रेन की तरह, उन्होंने क्या करा गाड़ी के नीचे डिवाइस लगा दिया और रोड को इलेक्ट्रिक बना दिया उन्होंने, उसी से सीधे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और उसी से अपना व्हीकल एलिवेट होकर उसमें चलते जा रहा है। जैसे मेट्रो का उन्होंने अपनी ट्रेन का बनाया था ना, तो उसमें तो लेविटेशन था, उठ के चलती, इसमें रोड पर ही आपकी गाड़ी चल रही होगी लेकिन नीचे से एनर्जी कंज्यूम करके जा रही होगी, तो अलग अलग आइडिया चल रहे हैं। जैसे इंडिया में एक नया आइडिया इंट्रोड्यूस हुआ है कि हमारा एक बस स्टॉप से दूसरे बस स्टॉप ज़्यादा दूर का नहीं होता, हार्डली 1 से 1.5 किलोमीटर इतना ही डिस्टेंस होता है, इससे ज़्यादा का होता नहीं है। तो यहाँ पर जैसे वो होते हैं ना कि कैपेसिटर जो होते हैं, जो बैटरी वगैरह हमारी होती है उसके अंदर साइकिल्स होती है ना कि 3,000 साइकिल्स लिथियम आयन के अंदर, वैसे ही ना कुछ नए कैपेसिटर इंट्रोड्यूस हुए हैं जिनके अंदर लाखों लाइफ साइकिल्स हैं, मतलब जैसे देखते हैं फैन के अंदर जो कैपेसिटर होता है लाइट जाने के बाद 15 मिनट तक उनके अंदर करंट होल्ड रखता है। तो एक ये है कि सिटीज़ के अंदर वो लाइन तो पूरा हम लोग बना नहीं सकते इलेक्ट्रिक, तो उन्होंने क्या करा है हर स्टेशन के ऊपर जहाँ भी बाइक कार रुकेगी आपकी उसके ऊपर उन्होंने ऐसा बनाया था कि जैसे ही बस वहाँ जाके रुकी इंस्टेंट उतनी देर में चार्ज हो जाएगी आपकी टच होते ही, फिर नेक्स्ट स्टॉप तक चलने के लिए आपके पास एनर्जी आ गई, फिर दूसरी जगह पहुँची वहाँ जैसे ही उसके नीचे पहुँची टच हुई फिर आपके लिए स्टेशन तक जाने के लिए चार्ज होगी गाड़ी ऑटोमेटिक, तो सुपर कैपेसिटर का यूज़ किया जाएगा। तो बसेज में ईवी की बात करें तो नई टेक्नोलॉजी वो ये है जिसके ऊपर ट्रायल स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। अब देखो अभी तक मेट्रो बन रही थी, अब मेट्रो का सिस्टम बंद, अब जैसे वैशाली आपका लास्ट स्टेशन है,
62 आपका लास्ट स्टेशन है, उधर उन्होंने दिलशाद गार्डन से लाइन जो है वहाँ तक पहुँचा दी, क्या कहते हैं पुराना बस अड्डा गाजियाबाद तक। अब इन्होंने क्या दिमाग लगाया, भाई मेट्रो बनाने में खर्चा ज़्यादा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्होंने बोला भाई पिलर लगाओ और रोप वे बना दो, मतलब अब आपका रोप वे सिस्टम रहेगा, जैसे हम लोग जाते हैं ना मनसा देवी वगैरह जाते हैं तो आपके उसमें लगे रहते हैं रोटेशन, तो उसी तरह का इन्होंने सिस्टम बना दिया। एक साल में बन के भी तैयार होगा, ना ज़्यादा कुछ एक्वायर करना पड़ेगा, सीधे सीधे पिलर टू पिलर हार्नेस खींचो। अब मोहन नगर से लेके वैशाली तक का उन्होंने काम स्टार्ट हो गया, और इधर 62 से लेके वैशाली स्टेशन तक का स्टार्ट हो गया। तो कह रहे कि मेट्रो बनाने से अच्छा ये चालू करो, तो 2025 इनका लास्ट है कि इसमें ये एक्टिव कर देंगे इस चीज़ को, तो पिलर डालने स्टार्ट कर दिए इन्होंने इस चीज़ के ऊपर। तो ये सिस्टम लेके आ रहे हैं, छोड़ो मेट्रो बनाने का, 15 मिनट में वो इतना फास्ट जाएगा कि 15 मिनट में आपको 62 से इधर वैशाली कनेक्ट कर देगा, और 15 मिनट में इधर आपको मोहन नगर कनेक्ट कर देगा, क्योंकि मोहन नगर से इसलिए बना रहे क्योंकि मोहन नगर तक मेट्रो है, वहाँ से बंदा चेंज करेगा। और इसका भी इंटरनल चेंजेज बना रहे हैं लोग, मतलब चेंजिंग जो होगी इंटरनली रहेगी, यानी कि आपको उतरना पड़ेगा फिर दूसरी मेट्रो में चढ़ना पड़ेगा, नहीं अंदर ही अंदर आपकी मेट्रो ट्रैक पर आकर रुकेगा वो, और वहाँ से अपना मेट्रो में ऑनबोर्ड होगा। तो दिमाग लगा रही है गवर्नमेंट कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना नहीं, सस्ते में काम करो। जैसे गुड़गांव और नोएडा के लिए, अभी नोएडा के लिए भी एक नया कॉरिडोर बना रहे हैं लोग फिर से, ठीक है, एक नई मेट्रो उधर चालू करेंगे। गुड़गांव में ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं पॉट टैक्सी स्टार्ट होने वाली गुड़गांव में, और इधर 2025 के एंड तक आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ट्रांसपोर्ट आपका CP से गुड़गांव के लिए। 7 मिनट की फ्लाई होगी आपकी, आपका ऑटोकॉप्टर्स इंडियन बिजनेसमैन्स ने इन्वेस्टमेंट किया है, इंडिगो ने इन्वेस्टमेंट किया है सबसे तगड़ा, उसके अंदर बैठो ड्रोन के अंदर, 4 से 5 लोग ड्रोन में एक बार बैठे सीधे 7 मिनट में गुड़गांव स्टार्ट हो रहा है, मेन CP से सर्कल से उसके ऊपर ही काम चालू कर दिया। तो ट्रायल वायल इसका भी चालू कर दिया इन्होंने बाहर, इसका ट्रायल चला रहे लोग हरिद्वार के अंदर, यहाँ नहीं कर रहे अभी इसका ट्रायल, क्योंकि सिटी में कुछ हादसा हो गया कुछ हो गया। अब उधर हरिद्वार में भी एक नया सिस्टम चालू किया उन्होंने फ्रांस से कुछ वो मंगाए हेलीकॉप्टर जैसे, उसको पता नहीं कुछ नाम दिया उन्होंने। तो उसमें क्या है कि आप उसमें बैठो और अपना हरिद्वार के ऊपर पूरे माउंटेन का नज़ारा व्यू अपना मस्त एक्सपीरियंस करो, उसमें कोई ग्लाइडिंग कुछ नहीं है, सीधे बैठो उड़ो फ्लाई करो, लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करते हैं अपना मस्त अपना मजे लो। इधर गड़गंगा में उन्होंने स्टार्ट कर दिया है वो सारी चीज़ें जो हम लोग पहले यहाँ करते थे गुड़गांव के अंदर ग्लाइडर के वाला सिस्टम, तो वो इधर गड़गंगा में स्टार्ट किया। मतलब टेक्नोलॉजी हमारे अराउंड ही अगर आप देखोगे थोड़ा सा अवेयर रहो ना तो बहुत कुछ बदलती जा रही है, चेंज होती जा रही है। आज की डेट में चाहिए आइडिया, एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया जो आपको आगे लेके जाए। तो देखो हमने अभी प्रॉपर्टीज वाइज जो है अपना PHP SQL HX हमने देख लिया, अब इसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये अपना नया मंथ स्टार्ट हो गया मई, हाँ क्लास है, आज डेट हो गया अपना 1st। इसके अंदर फाइल बना लो, हाउ टू फैच डेटा फ्रॉम डेटाबेस extension.php। हेलो hmm?
यहाँ जाके एक फाइल अपना बना लो, लाइक जैसे BS5 एंटर। यहाँ पर हम लोग एक फाइल बना लेंगे लाइक कॉन्फ़िगरेशन डॉट PHP। इसको आप कॉन्फ़िगरेशन नाम रखो या कनेक्शन डॉट PHP नाम रख लो, जैसा भी आप रखना चाहें वो डिफाइन कर सकते हो। इसका काम होगा बैकएंड के साथ कनेक्ट होना, और इसके बाद फिर हम लोग इसको इस फाइल में इंक्लूड कर लेंगे यहाँ पर, और बैकएंड में जो भी हम लोगों ने अपना इन्फॉर्मेशन रखा होगा उसको हम लोग यहाँ पर फ्रंट एंड पर फैच कर लेंगे। तो फैच करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे हमने जब SQL किया, अप्रैल मंथ में हुआ था हमारा, तो अगर हम यहाँ पर देखें PHP ऊप से पहले अगर जाएं फिल्टर, ये रहा MySQL डेटाबेस, जैसा आप देखोगे सेलेक्ट डेटा। तो सेलेक्ट डेटा में हम लोग जो डेटा फैच कर रहे थे इसके अंदर, जैसे कि हमें यूज़ करना है फैच एसोसिएटिव, ठीक है। तो डेटा को फैच कराने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप एरे फॉर्म में डेटा लेके आ सकते हो, एसोसिएटिव एरे के फॉर्म में डेटा लेके आ सकते हो, ऑब्जेक्ट फॉर्म में डेटा लेके आ सकते हो। तो अलग अलग तरीके हैं। तो आपको सारे सिनेरियो पता होने ज़रूरी है, कि क्योंकि पता चला कि भाई आपने यहाँ पर फैच एसोसिएटिव सीखा तो आप हमेशा इसी का यूज़ करो, और कल को किसी प्रोजेक्ट को आप मेंटेन करने बैठते हो तो आप कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो वो सही है, गलत है, क्या है क्या नहीं है, या फिर अगर मुझे उसी के साथ काम करना है तो कैसे करना, तो आपको पता होना चाहिए। तो हम अब फैच करने के जितने भी सिनेरियो हो सकते होंगे वो समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कनेक्शन वाला, अभी जैसे हम लोग आगे देखें तो हमने सब कुछ एक ही फाइल के अंदर किया हुआ है, कनेक्शन भी इसी में है और क्वेरी भी इसी के अंदर है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं इस पार्ट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा हमारा टाइम सेव हो जाएगा, और कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल के अंदर लाके हमने इस कोड को रख लेना है इस तरह से। ये पार्ट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप यहाँ से कट कर लोगे, ठीक है। तो कनेक्शन आ गया अपना पूरा, इसमें कॉन्फ़िगरेशन डॉट PHP फाइल अपनी बनके तैयार। अब बस आपने इसमें ये ध्यान रखना है कि आपने वेरिएबल का नेम क्या सेट किया है। हमारा वेरिएबल का नेम क्या है, कनेक्शन। तो जब भी आप कोई क्वेरी चलाओगे तो कनेक्शन को उसके साथ रख के आपने चलाना है, क्योंकि बैकेंड से ये कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। इस फाइल के अंदर आपने क्या काम करना है, जैसे ये पार्ट है तो यहाँ आप लिखेंगे डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल VS5 टेबल डिफॉल्ट, ठीक है। और जो भी आपके पास बैकएंड में इंफॉर्मेशन स्टोर है उसको आप यहाँ पर लाके लूप करा दोगे, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया सीरियल नंबर, ठीक है। और हमने क्या क्या बना रखा है वो आप देख लोगे। तो जैसे इधर आओ, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना अपना, हाँ चल रहा है, तो यहाँ आओ और बैकएंड में जाइए। हम चाहें तो उसको डेमोस्ट्रेट करके अलग डेटाबेस भी बना सकते हैं, तो अपने पास ये फील्ड है जो ID जो होगा वो सीरियल नंबर हो जाएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल एंड रजिस्ट्रेशन डेट, ये फील्ड है हमारे पास। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो ये हो गया हमारा टी हेड। अब आप यहाँ पर काम करोगे, हमने एंटायर TR को कॉपी करना है, यहाँ ला के कॉल करना है, और जितने भी TH हैं वो क्या हो जाएंगे, TD हो जाएंगे।
ये चीज़। तो टेबल में अगर हम लोग कोई डेटा लेके आना चाह रहे हैं पर्टिकुलर इस पार्ट के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पार्ट को डायनामिक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बैकएंड से मेरा डेटा क्या होगा, ऑटोमेटिकली लूप हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन डॉट पीएचपी फाइल है, आप इसको कहीं भी कॉल करा सकते हो। जैसे मुझे इस रो को डायनामिक बनाना है, तो हमने यहाँ जाके क्या लिख देना है, पीएचपी क्या ले सर, बढ़िया सर, हाँ मेरा तो 8 बजे स्टार्ट होता है ना, ओके। और यहाँ जाके आप लिखेंगे इंक्लूड, ठीक है, और यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन डॉट पीएचपी, ये हमने यहाँ पर कॉल कर देना है। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि जो हमारा डेटाबेस कनेक्शन है वो इसके अंदर आ गया। अब इससे बेनिफिट आपको ये रहेगा, जब भी आपको कुछ काम करना होगा, ठीक है, आपको बस क्या करना रहेगा, इस फाइल में डेटाबेस का नाम ही तो बदलना है, कनेक्शन तो हमेशा यही रहने वाला है अपना। तो हमारा बार अगर किसी इंटरनल फाइल में डिफाइन करते हैं तो हमें चीज़ें बार बार डिफाइन करनी पड़ेंगी, एक्सटर्नल कर लिया फाइल को कॉपी करके किसी प्रोजेक्ट में ले जाओ, तो हमारा उतना जो पेन है बार बार का वो इसके अंदर सेफ हो जाएगा। अब इंक्लूड करने के बाद आप यहाँ से एक वेरिएबल बना लो, लाइक जैसे कि डॉलर क्वेरी, क्वेरी इक्वल टू हम लोग यहाँ पर लिखते हैं माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर क्वेरी, और इसको आपने पैरेंथेसिस में लेना है और इस तरह से डिफाइन करना है। यहाँ जाके आप लिखेंगे हमारा कनेक्शन का नेम, हमने क्या लिखा था, डॉलर कनेक्शन कॉमा, हम यहाँ से अपनी क्वेरी रन करेंगे, सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम, टेबल का नेम क्या है हमारा, माय स्टूडेंट्स, एंटर करेंगे। यहाँ जाके आप डिफाइन करेंगे एक वेरिएबल लाइक काउंट, काउंट की हमने वैल्यू क्या रखी है 1, और एक वाइल लूप हम लोग रन करेंगे यहाँ से कि भाई लाइक रो इक्वल टू माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर फैच अंडर स्कोर एरे, और इसमें जाकर हम लोग क्वेरी को अपनी कॉल कर देंगे, और यहाँ से आपका ब्रैकेट बंद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, ये पार्ट आपका इतना पीएचपी का हो गया इसके अंदर। अब यहाँ ध्यान रखना है कि टी बॉडी में हमने चलाया है, यहाँ से फिर वहाँ TR स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद आप यहाँ जाके क्या करेंगे, इसको क्लोज़ करेंगे, मतलब क्लोज तो ऊपर हो गया, अब ये लूप को आपने बंद करना है नीचे लाके। तो क्या लिखेंगे, PHP यहाँ पर इसको क्लोज। अब इसमें जाकर आप लिखेंगे डॉलर काउंट, हमने CNT रखा है ना, हाँ CNT इक्वल टू CNT प्लस 1 या फिर CNT प्लस प्लस भी आप लिख सकते हो, तो भी आपको आउटपुट सेम ही आएगा। इसके बाद आपने अपना लूप बंद कर देना है जो हमने ऊपर स्टार्ट किया था, और PHP को अपने क्लोज कर देना है। तो हमारा ये TR लूप के अंदर आ गया। अब डेटा हमने किस में लिया है, रो वेरिएबल के अंदर लिया है, तो आप यहाँ जाके डिफाइन करेंगे, एक ही में लिखो क्वेश्चन मार्क PHP डॉलर काउंट, ठीक है, इसको हमने क्या करना है, एको करना है, नहीं तो ये प्रिंट नहीं होगा, एको काउंट एंड क्लोज, कॉपी पेस्ट। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डॉलर रो, हमने वहाँ पर फील्ड का नेम क्या डिफाइन कर रखा है, फर्स्ट नेम, फिर क्या था, फिर क्या था, एंड लास्ट में रजिस्ट्रेशन डेट था, REG अंडरस्कोर डेट, ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया इस तरह से। फाइल को सेव करेंगे, चेक करेंगे क्या आउटपुट हमें इसका रिसीव हो रहा है। यहाँ पर टेबल में प्राइमरी लिखा हुआ है, इसको हटा दो, टेबल होवर स्ट्रिप, यहाँ आएंगे बैक करेंगे, यहाँ पर और बैक करेंगे, और बैक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, मे मंथ, यहाँ पर हाउ टू फैच डेटा,
ठीक है, तो बैकएंड में जितना भी डेटा था सारा आ गया। अब जरा सीरियल नंबर ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर कितना है? बट जब हम लोग सीख रहे थे तो हमने 3 नंबर का डेटा डिलीट मारा था, तो मैंने काउंट क्यों डिफाइन किया? ताकि मेरा नंबर गलत ना आए। अगर मैंने ये पार्ट ना डिफाइन करके मैंने ऐसे लिखा होता यहाँ पर कि भाई मेरे को इंस्टेड ऑफ दिस आईडी का डेटा दिखाओ, हमने क्या लिखा यहाँ पर? आईडी। तो इसका प्रॉब्लम क्या होता कि मेरा डेटा तो आता यहाँ पर, ठीक है, आईडी हमने क्या लिखा है, रो, यहाँ पर इसको आपको कमेंट करना पड़ेगा, अनडिफाइंड एरे की आईडी। आईडी को अनडिफाइंड क्यों बोल रहा है? हमने आईडी कैप अपर केस लिखा है क्या, इसलिए नहीं आ रहा। तो देख रहे हो डेटा तो आ गया लेकिन सीक्वेंस गड़बड़ हो रहा है ना? तो इसी वजह से हमने क्या करा, अपना इंस्टेड ऑफ दिस हमने अपना खुद का बनाया। इसको हटाएंगे यहाँ से और यहाँ पे क्या लिख देंगे, डॉलर काउंट। इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और यहाँ पर काउंट को प्लस प्लस। तो बैकएंड में भले से मेरा आईडी डिलीट हुआ हो जो मर्जी हो, लेकिन फ्रंट एंड पर यूजर को काउंटिंग सही से रिटर्न होगा उसके अंदर, है ना? तो ये हुआ हमारा दूसरा तरीका। तो आपने जो पहले वाला मेथड देखा तो वो क्या था, फैच एसोसिएटिव एरे के थ्रू। ये क्या हुआ, फैच एरे के थ्रू, ठीक है। तो मैं आपको और नेक्स्ट क्लास के अंदर दो डिफरेंट टाइप्स जो बचते हैं उनके बारे में भी बता दूंगा। तो इस तरह से आप बैकएंड से डेटा लेना सीख जाओगे। अब इसमें जैसे अभी तो क्या, हम लोग सिर्फ एंट्री लेकर आ रहे हैं। मान लो कि कोई ई कॉमर्स प्रोडक्ट है मेरा पीछे, है ना? तो ये तो क्या टेक्स्ट है, तो इसका कोई लोड नहीं होता बहुत ज़्यादा। लेकिन प्रोडक्ट जब आता है पीछे से कोई, तो अच्छा खासा डोम के ऊपर एक लोड बनाता है, प्रेशर क्रिएट करता है। उसके अंदर इमेज भी होता है, बटन्स भी होते हैं, हेडिंग्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो क्या होगा कि अगर 20-30 हैं प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वही जैसे हम लोग टी शर्ट की कैटेगरी पूरी फैच कराते हैं तो 1300, 14000, 16000, 20000 उसकी ऐसे बढ़ती घटती रहती है हमेशा कैटेगरी। तो क्या होगा, आपका डोम इतना हैवी हो जाएगा यूजर स्क्रॉल तक नहीं कर पाएगा, इवन ऊपर लोडिंग चलता ही रहेगा। और जब तक लोडिंग चलता रहेगा, पीएचपी के साथ ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जब तक लोडिंग चलेगा तब तक आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि जब तक स्क्रिप्ट बंद नहीं होगी तब तक आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे। बट रिएक्ट में क्या होता है कि प्रोसेसिंग चल रही है लेकिन आप एक्शन ले सकते हो, क्योंकि वो एजेक्स को यूज़ कर रहा होता है। ये डिफरेंस आता है उसके अंदर, ठीक है। पीएचपी पूरा पेज जब तक लोड नहीं हो जाएगा तब तक आगे नहीं जाने देगा, इसलिए पीएचपी के अंदर हम लोग उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एजेक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। और रिएक्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल से ही बनी है पूरी, ठीक है। तो जब लोग इंस्टॉलेशन करते हैं ना रिएक्ट का, तो वहाँ लिखते हैं npx क्रिएट jsx, वहाँ पर इस तरह से हम लोग अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो jsx स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। तो रिएक्ट के अंदर br टैग भी अगर होगा या hr टैग भी होगा तो वो क्लोज होगा, या img टैग है तो वो भी वहाँ क्लोज करना पड़ता है, क्योंकि वो हर चीज़ की क्लोजिंग मांगता है। लेकिन हम लोग HTML में HR BR इनको क्लोज नहीं करते। हेलो,